हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रभात ट्रेडिंग सर्विस में। दोस्तों, हम देते हैं इंट्राडे के लिए बेस्ट शेयर शॉर्ट कॉल्स। केवल सब्सक्राइब करने वाले पर्सन को ही मिलेगी हमारी इंट्राडे की शेयर शॉर्ट कॉल्स पेड सर्विस एक्सक्लूसिव ऑफर में, जो कि है 100 रुपीज़ पर डे में एंड वीकली 500 रुपीज़ पर वीक में। दोस्तों, नए मेहमानों से कृपया रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो हम एक दिन पहले फ्री कॉल्स देते हैं जिसमें हम लेवल्स नहीं देते हैं। हम बिल्कुल एक या तो बाय का लेवल देते हैं या तो सेल का लेवल देते हैं, कोई एक देते हैं बिल्कुल बोल्ड कॉल, बाकियों की तरह हम नहीं देते। हमने कल यूबीएल बताया था आपको बाय करने को, और आप देख सकते हैं यूबीएल जिसने बाय किया होगा उसने कितनी बड़ी रैली इंजॉय किया। तो दोस्तों, ये है मेरी केवल फ्री कॉल का, ये मैं अपना प्रदर्शन करता हूँ फ्री कॉल से। आप समझ सकते हैं मेरी ट्रेनिंग और मेरी कॉल्स में कितनी पावर होगी। तो अगर किसी व्यक्ति ने भी यूबीएल लिया होगा तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट एंजॉय किया उसने यूबीएल में, यूनाइटेड ब्रेवरीज में। सो अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह की कॉल्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, ठीक है। दोस्तों, चलिए आज की हम जान लेते हैं अपनी कॉल परफॉर्मेंस। दोस्तों, मेरे चैनल पे जो मैं कॉल पोस्ट करता हूँ, ठीक है, वो आपको बिल्कुल जिस दिन एसएल जाएगा मैं उस दिन भी पोस्ट करूँगा, जिस दिन टारगेट होगा उस दिन भी पोस्ट करूँगा। खैर, देखिए, मार्केट सबसे बड़ा सुप्रीम है, तो आप मार्केट से, आप कितना भी आप ऊँचे हो जाएं, आप मार्केट से बिल्कुल आप छोटे ही रहेंगे, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट केवल एक में एसएल हिट हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, मैं बता देता हूँ कि कहाँ हमारा एसएल हिट हुआ है। जो मैंने फर्स्ट कॉल दी थी दोस्तों, वो थी बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस में हमें गलत ट्रेड मिल गया था, ठीक है। मैंने शॉर्ट के लिए बोला था, मतलब क्या, जैसे कि क्या बोलते हैं कि आपको कभी ना कभी तो मार्केट फंसाएगा ही, और फाइनली आज हम थोड़ा सा फंस गए। हमने 28:30 पे शॉर्ट किया था और हमारा 28:45 का एसएल था जो कि हमारा हिट हो गया। नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा पहला एसएल गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल तो पार्ट है हमारा ट्रेडिंग का। जो मैंने नेक्स्ट कॉल दी थी दोस्तों, ये केवल केवल फ्यूचर की दी थी मैंने, स्कॉट्स की दी थी, ठीक है, स्कॉट्स केवल फ्यूचर की, ठीक है। स्कॉट्स मैंने दिया था, बता दूं मैं आपको, 1 सेकेंड, ओके, मैंने यहाँ पे दिया था 795 पे। मैंने शॉर्ट सेल करने को बोला था, थोड़ा ऊपर गया था, हमने यहाँ भी थोड़ा शॉर्ट सेल किया था, ठीक है। और आप देख सकते हैं 797 795 97 से कहाँ गया है दोस्तों, 790 790.95। हमने 91 के आसपास प्रॉफिट बुक किया, 1100 का लॉट साइज है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला हमें, ठीक है, फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे जो मैंने नेक्स्ट कॉल दी थी वो थी हिंदुस्तान यूनिलीवर की। ये केवल कैश कॉल थी दोस्तों, सॉरी, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कह रहा हूँ, कोलपाल की मैंने कॉल दी थी जो केवल कैश कॉल थी, ठीक है। कोलपाल की मैंने दी थी अराउंड 80, ओके, 75 पे मैंने शॉर्ट करने के बोला था कोलपाल को, ठीक है, 75 पे, ठीक है, 70, सॉरी 78 पे मैंने शॉर्ट करने को बोला था, और हमारा टारगेट था 69 का, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं लगभग रेंज बाउंड रहा, ठीक है। तो हमने जब मैं यहाँ पे शॉर्ट किया था, ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली ये जब कैंडल बनी थी तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मतलब मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था। तो फाइनली हमने यहाँ पे एग्जिट करने के बोल दिया था, हमें कुछ लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल थोड़ा बहुत मिनिमम हमारा लॉस हुआ इसमें, ठीक है। और किसी क्लाइंट से अगर ये छूट, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो जो थोड़े बहुत जो रिस्की वाले हैं तो उन्होंने होल्ड किया अगर, तो उसको आप देख सकते हैं उनको ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिल गया कोलपाल में। तो हमारा कोलपाल का लगभग रेंज बाउंड रहा, ठीक है। जो हमने लास्ट कॉल दी थी वो थी मारुति की पुट ऑप्शन, ठीक है, 7100 की पुट ऑप्शन मैंने अराउंड 121 के आसपास बाय करने को बोला था, अराउंड यहाँ बाय करने को बोला था, और 140 का टारगेट दिया था। तो आप देख सकते हैं 140, ये 140 का टारगेट अचीव किया था इसने और ये चला गया था 146 के लिए, 147, तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिल गया हमें मारुति के ऑप्शन में। दोस्तों,
तो आज का हमारा नॉर्मल डे रहा मिला जुला के। वैसे भी आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे को आदमी थोड़ा आदमी कम काम करे तो बेटर होता है, क्योंकि मार्केट थोड़ा ज़्यादा वोलाटाइल होता है इस टाइम पे। सो आज हमारा पहला एसएल था कैश सेगमेंट में, जो कि चलता रहता है नॉर्मल। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कॉल। अगर दोस्तों अगर आपको भी सीखना है मेरी तरह एनालिसिस, जैसा हमने कल यूबीएल का किया था और जैसा हम कॉल देते हैं, तो हमारा ट्रेनिंग बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर किसी व्यक्ति को भी इंटरेस्ट है तो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच में जुड़ सकता है। रेट्स काफ़ी अफोर्डेबल रखे हैं मैंने, ताकि सब व्यक्ति अफोर्ड कर सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।